राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आज सुबह सुबह वॉक के लिए चल रहे हैं, सब चले आज पूरा परिवार। ये दोनों चुन्नू मुन्नू छुरछुरी फुरफुरी धमाका, ये भी साथ में जा रही है। ये धमाका है, एक नहीं है। और आप छुरछुरी फुरफुरी नहीं है। और ये अनार है। तो जी आज संडे है, थोड़ा सा फायदा उठाए, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। ये करो ना, करो नहीं करे नहीं। निशु को जी कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही चलना है। ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं होना, ठीक है ऐसे ही चलो। ठीक है, मूड नहीं खराब करना। सुबह 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 ही गुस्सा होके बैठ जाएगी, तभी तो ऐसी है। प्लीज इसका खाना पीना तो सारा गुस्सा खा लेता है, इसके लिए थोड़ी छोड़ता है। नहीं ये अच्छा बच्चा बहुत नहीं होता है, गुस्सा नहीं बता देता है। इसको बोल रहा बेटा गुस्सा है ना तो बता देना कि आपको क्या पसंद नहीं है, फिर हम वो चीज़ नहीं करेंगे। तभी इसको ऐसे दौड़ना कुछ करना पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, तो अभी ये नहीं करेंगे क्योंकि इसको फिर गुस्सा आ रहा है, तो इसे हैप्पी रहे इसलिए नहीं कराना। जी कागला की नाई नाई हो रही सर, उड़ गया। ये लो योशी अपनी थोड़ी हाइट बढ़ाने के चक्करों में सोच रही है कि मैं थोड़ी और लंबी हो जाऊं जल्दी से, ताकि मम्मा के सारे कपड़े मुझे फिट हो जाएं। फिर इसकी सारी नज़र मेरे कपड़ों पर रहती है। इधर तो घूम जी, मैं भी छोटा बच्चा बन गया हूँ। और योशी मुझे जुला रही है, मैं तो कैसे बैठा है इस पे बच्चों के, छोटे बच्चों के में मुझे आयो योशी, योशी दे रही है मुझे, घुमा दिया। मेरी बारी, सही है वैसे तो, मजा आए तभी तो बच्चे बैठते हैं। मेरी बारी नहीं, यहां पर बात आंटी घर बैठ के बातें। ये देखो जी ऐसा है गोल, इस पे मैं बैठ गई थी, अब ये इसको झुलाती हूं एक बार। इतनी स्लो, बहुत स्लो है, स्लो मेरे से तेज नहीं चल रहा, स्लो ही चलेगा। पापा आओ ना। ओ वाह जी, मेरा बच्चा भी, आप भी हाइट बढ़ा रहे हो। चलो चलो कर करके कर कुछ तो कर, आया है। मैं कहां तक आता हूं? हाँ दिखाओ कहाँ तक आते हो आप, तेरी भी हाइट बढ़ रही है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा तो कुछ हाथ पर इधर उधर मोड़ेंगी। वो वेरी गुड, ओ तू तो बड़ा है, तेरे तो पैर ही नीचे आ गए। करते जाती हूँ मस्ती करते करते। ये इसका बेड, बच्चों के देखते हैं ना ऐसे डबल बेड रहते हैं जो ऊपर नीचे, इनको पसंद है ये बेड। बेड बेड है ये तेरा? ये नहीं है। और इनके शुरू से कौन सा मजेदार, वो तो छोटा सा झूला है। अबे ऐसे कैसे, ओए खड़ा हो ना। हाँ गर्दन फंस जाएगी इसमें, तू तो पतला है, तू तो निकल जाएगा, गर्दन नहीं निकले। अब कैसे निकलेगा, अब नीचे सर तो आ नहीं सकता, ऊपर ही होना पड़ेगा। हाँ वो हाँ निकलो तो आ जा, अभी खेलने में लग गई, वॉक ना करिए, अब थोड़ा सा दौड़ लेती चल लेती। दम ठुक गए, ये सही है, ये तेरे साइज का है, तेरे से छोटे बच्चे भी इस पे आराम से झूल सकते हैं, है ना, और तू भी झूल सकता है। ये जी जो भादी बालक रहे कुबेड़ी, उनके काम है ये, देखो कैसे झूल रही है। और गिरी तो पता ना कहाँ लगेगी, फिर उतर जा बस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हो गया खेलने। चलो देखो जी कितने सारे कबूतर खाना खा रहे हैं, वो सफेद भी है इनमें तो, दो एक सफेद काला, बहुत सारे जी। आज योशी का बाड़ा मैं ना मेहंदी लगाऊंगी, तो देखो ऐसा बाल कैसे हो रहे, बहुत मतलब एकदम कड़क कड़क हो रहे हैं, पर निकाल लिया मैंने, फिर मैं सोची फोन में तो दिखाऊंगी एक बाप लोगों ने। ये देखो कैसा बाल हो रहा है, उलझ भी रहे आज, और कर आइए जबकि अपनी मर्जी तक, क्योंकि कर ली ना, और पतला बाल है इसका, मोटा ना है, मोटा ना तो कम उलझे, पतला बाल देखो कैसे तो उलझ रहे ऐसे, और मतलब बिल्कुल टाइट टाइट सा हो रहा है। तो आज लगाऊ मैं मेहंदी, मेहंदी तो थोड़ी उसमें और चीज़ ज़्यादा है, जैसे भृंगराज है और पानी भी अलग बना कर डाल लिया उसमें, उसमें आंवला नहीं है, मेहंदी भी थोड़ी है और उसमें पाउडर, नीम को पाउडर है थोड़ा सो, और करी का पाउडर, करी पत्ता का पाउडर से ऐसे ऐसे पाउडर डाल ले, सिकाकाई को पाउडर है, ये सब चीज़ें मेहंदी थोड़ी सी है। तो लगाऊंगी, ज़्यादा देर ना लगाऊँ, बस डेढ़ दो घंटा लगाऊंगा, तो चलो लगा मैं अब। आज जी योशी ने बनाया खाना, आज योशी की रेसिपी है ये देखो, ये इसके अंदर आलू है, ये आलू की कचौरी बना दी है योशी ने, ऐसी शेप भी है, ऐसी भी है, योशी ने बनाया आज, ये देखो इसने बोले इसने बनाया, अभी खाना खाएंगे सॉस के साथ है, सॉस है चटनी है तीनों, धनिए की सॉस है और इमली की चटनी भी है, ये इसके साथ दही वगैरह है उसके साथ खाते हैं। तो जी आज का लंच चाहिए हमारा, पॉपकॉर्न 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 खा लो जी,
शाम की चाय ले रहे हैं आज तो, साथ में बच्चे बोले मम्मा पॉपकॉर्न भी बना दो, तो ये भी बनाए गरम गरम, ये अच्छे लगे हैं ये तो। और चाय चाय आज मसाले वाले कई दिन में बनाई है, इनके पापा रहते हैं ना तभी बनाते, वैसे पीने का मन नहीं करता, अगर तबीयत खराब है ज्यादा तो बना लेती हूँ, अकेले ना पीने का मन नहीं करता, अकेले क्या चाय बनाऊँ, इतनी सारी तो चीज़ें डालू उसमें, और मसाले वाली ना बहुत टेस्टी लगे, अभी सर्दियों में मजा आए चाय पीने का, सभी पीते होंगे तो कभी कभी तो बनती है। मौसम जी आज गर्मी सी हो रही है, बादल है पर अंदर गर्मी सी, कभी गर्मी लगे कभी वैसे लगे, दिखाती हूँ थोड़ा सा ना, अभी तो शाम हो गई, सूरज तो नहीं है, सूरज तो दिन में भी आज नहीं था, ऐसा ही आज तो। ये देखो इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ये लोग, भी बहुत शोर शराबा रहता है पर सच में ये काम चल रहा है ना, आवाज़ बहुत आती रहती है, और बादल हो रहे हैं, वैसे वैसे तो खुला है, बारिश तो नहीं आई शायद, बाहर तो हवा चल रही है ठंडी, अच्छी चल रही है ठंडी, अभी अंदर है ना तो अंदर गर्मी सी लग रही है, बाहर तो अच्छा है, और संडे है तो बच्चे आ गए हैं पार्क में खेलने, योशी निशु भी देखो जाएंगे तो मन करेगा, तो जी चाय का मजा लेते हैं मसाले वाली चाय की, और थोड़ा सा गला भी हो रहा है थोड़ा सा खराब सा, अच्छा हो जाएगा तो पीते हैं चाय जी। टाइम हो गया है 9:30, खाना पीना हो गया, बर्तन हो गया, सब काम हो गया, थोड़ा सा काम हो बाकी, 10 बजने हैं मेरे तो, 10 बजे सो जाऊँ कभी ठीक है। और ये जी बालक सुला दिए, लाइट भी बंद कर दी कमरा की, ये देखो अंधेरा, इनको सोने के लिए बोला है तो दोनों देखो क्या हाल कर दिया बेड शीट का, हाँ ये कैमरा 24 घंटे तुम लोगों पे रहेगा देखने के लिए, तुम लोग क्या क्या शरारत करती हो, सो जाओ चुपचाप, निशु पिटाई लगा दूंगी योशी सच में, सुबह सुबह उठने में जी भाई ड्रामे रहेंगे, नींद आ रही है अभी ना, और खाना खाओ, इनको 1 घंटा होगा पर ये नहीं कि सो जाए, सोने के लिए बोला है पर अभी नहीं सुनेंगे, जब इनको डांट लगेगी जोर से बोलना पड़ेगा ना तब फिर गुस्सा वो होगा मुंह बनेगा कि मम्मा ने डांटा ऐसे के, और अभी नहीं मानते, मैं नहीं सोना तब तक ऐसी नखरे चलते, जब मैं सोती हूँ तब इनके डांट लगा के थोड़ा समझा के तब सुना, तो या इनको नींद आ रही हो तो, आज नहीं दिन में सो ली थोड़ा सा इसलिए नखरे हो रहे हैं, तो अभी जी हेयर ऑयलिंग करनी है, बहुत दिन कई दिन हो गए तेल नहीं लगाए, तो बाद में तेल लगाऊँ, कल हेयर वॉश करना है इसलिए तेल लगाऊंगी, और फिर ना स्क्रब किए बहुत दिन हो गए, ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं इधर से इधर से ना थोड़े से ना इधर भी दिख रहे हैं, तो स्क्रब करूँगी ताकि निकल जाए, कई दिन हो गए कई दिन से नहीं किया, तो कर लेनी चाहिए ना, वैसे तो सप्ताह में 2 बार कर लो तो भी ठीक है, 1 बार तो जरूर करो, मुझे ऑयली स्किन है तो ब्लैक हेड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो मैं तो सप्ताह में बल्कि 2 बार कर लूँ ना, हर घर के अच्छे कर ले तो ठीक है, कभी हो जाती थी पहले, अभी थोड़ा चल रहा है टाइट काम, तो स्क्रब करनी पहले ऑयलिंग करूँगी, फिर मुँह धोऊंगी स्क्रब करूँगी, स्टीम लूँगी, स्टीम लेके तब करूँगी, और फिर जी सोना हो तो भैया कि 10 से ऊपर हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी करती हूँ, ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में, कुछ और नया करेंगे, कुछ और नया देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे और खूबसूरत अपने लाइफ को बनाएंगे, तो आप सभी को जी शुभ रात्रि, राम राम।